हाय गाइस एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्लैट बेस्ड अरेंजमेंट। इसमें काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम भी होती है एंड फ्लोर से रिलेटेड है ये, लेकिन हाँ थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। तो इस अरेंजमेंट को देखेंगे, ऑर्डर एंड रैंकिंग के एक क्वेश्चन को देखेंगे, प्लस हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं एक दो क्वेश्चन लॉक्स के भी। ओके, तो देखते हैं इन सारे ही क्वेश्चन को। एंड आज के जो क्वेश्चन है ये मैंने ऑलिव बोर्ड की साइट से लिए हैं, तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप लोग इनकी साइट को विजिट कर सकते हैं। साथ ही इनकी जो टेस्ट सीरीज़ है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, जहाँ से आप लोग जो फ्री मॉक हैं उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं अपकमिंग डेज में, जो आपके एग्जाम आने वाले हैं उनके। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन आपका फ्लैट बेस। तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन दिया गया है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप जो भी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं उस लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर एक बार क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिए। तो इससे क्या होता है, आगे समझने में क्वेश्चन को आसानी रहती है। ओके, देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देयर आर फोर फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग सच दैट ईच फ्लोर हैज टू फ्लैट्स। यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि आपके चार फ्लोर हैं और इस तरीके से हैं कि चारों फ्लोर में आपके दो दो फ्लैट होंगे। द फ्लोर आर फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर टू फोर्थ फ्लोर। आपका फर्स्ट फ्लोर जो है वो बॉटम मोस्ट होगा, उसके बाद फोर्थ फ्लोर जो है वो आपका टॉप मोस्ट होगा। ठीक, तो ग्राउंड फ्लोर वाला कोई भी चक्कर नहीं है यहाँ पे, कई बार ग्राउंड फ्लोर का ये लोग जीरो कंसिडर कर लेते हैं। एंड आगे कह रहे हैं, एंड वन फ्लैट इज टू द वेस्ट ऑफ द अदर फ्लैट ऑन ईच फ्लोर। कि आपका हर फ्लोर में क्या है, एक आपका उसके वेस्ट में है, मतलब एक फ्लोर के दूसरा, एक फ्लोर पे एक फ्लैट के दूसरा फ्लैट आपका वेस्ट में है। जैसे कि मान लीजिए 1, 2, 3 एंड 4, ये आपके चार फ्लोर हैं, तो एक जो है यहाँ पर होगा और इसकी वेस्ट में एक फ्लोर होगा। ठीक, तो बेसिकली आपका यही तरीका है जो हम लोग करते हैं, बस उसको कहने का इन्होंने तरीका बदल दिया है। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि टू फ्लैट्स इन द बिल्डिंग आर वैकेंट एंड दे आर नॉट ऑन द सेम फ्लोर। कि आपके दो फ्लैट्स जो हैं वो वैकेंट हैं लेकिन वो सेम फ्लोर पे नहीं है। तो टू फ्लैट जो है वो क्या है, यहाँ पर वैकेंट है लेकिन सेम फ्लोर पे नहीं है। ओके, उसके बाद आगे कह रही है, वन पर्सन लिव्स ऑन ईच ऑफ द अदर फ्लैट्स। तो यहाँ पर हर पर्सन जो है वो एक-एक फ्लैट पे रहेगा। देन जे लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर। जे जो है वो थर्ड फ्लोर पे रहेगा, तो जे जब थर्ड फ्लोर पे रहेगा तो जे जो है वो इस वाले फ्लैट में भी रह सकता है और यहाँ वाले फ्लैट में भी रह सकता है। ठीक, दोनों की पॉसिबिलिटी रहेगी उसकी। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि देयर इज वन फ्लोर इन बिटवीन जे एंड डब्ल्यू। देखो एक चीज मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगी, फ्लैट बेस्ड अरेंजमेंट में मान लीजिए आपके चार फ्लैट हैं यहाँ पे, ठीक इस तरीके से चल रहा है। ओके, ए जो है वो फोर्थ फ्लोर पे है। अब इन्होंने ये कहा कि ए और बी के बीच में आपके दो फ्लोर आएंगे। ठीक, तो ए और बी के बीच में जो आपके दो फ्लोर आएंगे तो आपका बी जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर आएगा। अब फर्स्ट फ्लोर पर ये आपका फ्लैट इस वाले फ्लैट में भी आ सकता है, मतलब सेम फ्लैट में भी आ सकता है और डिफरेंट फ्लैट में भी आ सकता है, अदर वाले फ्लैट में भी आ सकता है। अगर यहीं पर इन्होंने ये कहा है कि ए और बी के बीच में आपके दो फ्लैट का डिफरेंस है, तब भी आपका क्या होगा यहाँ पे, वैसे तो ये लाइन नहीं होगी कि आपके दो फ्लैट का डिफरेंस है, क्योंकि फ्लैट का डिफरेंस इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि यहाँ पे फिर ये नहीं पता होता है कि उसे काउंट कैसे करेंगे, ये वाला फ्लैट काउंट करेंगे नहीं करेंगे या फिर खाली ये दोनों फ्लैट काउंट करेंगे। ठीक, और अगर ऐसा कुछ देते भी हैं कि ए और बी के बीच में आपके दो फ्लैट का डिफरेंस है, तो आप लोग क्या करते हो, एक फ्लोर ले लेते हो, दो फ्लैट का डिफरेंस इस तरीके से दे देते हो और सेम फ्लैट फिर दे देते हो। ठीक, वैसे ऐसे ये फ्लैट वाली लाइन आती नहीं है, ज़्यादातर आपकी फ्लोर वाली लाइन ही आती है। ठीक, क्योंकि फिर फ्लैट में आपको फिर पूरा बताया जाएगा कि फ्लैट जो है वो काउंट कैसे हो रहे हैं। ठीक, क्योंकि फिर ये भी हो सकता है ना कि ये वाला फ्लैट जो है उसको भी काउंट करा जाए। ठीक, तो ऐसे फ्लैट वाली लाइन नहीं आती है, ज्यादातर आपकी फ्लोर वाली लाइन ही आती है। ओके, और अगर आती है कि अगर आपके ए और बी के बीच में दो फ्लैट हैं, तो जो साइड वाला फ्लैट होता है उसको काउंट नहीं करते हैं, डायरेक्ट आपका ऊपर और नीचे के बीच में जो फ्लैट पड़ते हैं सिर्फ उनको काउंट कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे बस यही समझने वाली बात थी, जब तक आपका ये नहीं कहा जाए क्लियर कि उसका फ्लैट क्या है, तब तक आप उसे फिक्स नहीं करेंगे। ओके,
इसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जे लिव्स ऑन थर्ड फ्लोर, देयर इज वन फ्लोर बिटवीन जे एंड डब्ल्यू, जे और डब्ल्यू के बीच में आपका एक फ्लोर आएगा. सो जे एंड डब्ल्यू के बीच में आपका एक फ्लोर आएगा, तो इन फर्स्ट डायग्राम आपका जो डब्ल्यू है वो यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, और दूसरी बार में आपका डब्ल्यू यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है. ठीक, फिर आगे कह रहे हैं डब्ल्यू लिव्स टू द ईस्ट ऑफ पी, डब्ल्यू जो है वो पी की ईस्ट में है. सो डब्ल्यू जब आपका पी की ईस्ट में है तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो पी है वो कहाँ होगा, इस जगह पर होगा. ठीक है, और इस कंडीशन में पी कहां पर होगा, यहां पर होगा. ठीक है, आगे कह रहे हैं एल लिव्स इमीडिएटली अबव पी इन द सेम साइड ऑफ द बिल्डिंग, कि एल जो है वो इमीडिएटली अबव है पी के और सेम साइड में है बिल्डिंग के, यानी कि सेम साइड का मतलब क्या हो गया, आपका सेम फ्लैट में होगा. तो एल यहां पर भी आ जाएगा, इसमें एल यहां पर आ जाएगा. ओके, फिर आगे कह रहे हैं कि आर लिव्स ऑन द इमीडिएट फ्लोर अबव वी बट इन डिफरेंट साइड्स ऑफ द बिल्डिंग, कि आर जो है वो इमीडिएटली अबव है किसके, वी के, लेकिन डिफरेंट साइड्स में है बिल्डिंग के. तो फर्स्ट वाले कंडीशन में देखोगे वी जो है क्या वो सेकेंड पर सकता है, नहीं आ सकता. ठीक, नहीं आ सकता, इसका मतलब V जो है वो कहां पर आएगा, थर्ड पर आएगा, और इस हिसाब से आपका जो R है वो कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, बिकॉज डिफरेंट साइड में रहेगा. इस कंडीशन में देखो क्या V यहां पर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो आपका R यहां पर आ जाएगा, और इसी में आपकी एक कंडीशन और भी बन जाएगी. ठीक, कि आपका V यहां पर आ जाए और R यहां पर आ जाए, है ना. आगे कह रहे हैं वन ऑफ द वैकेंट फ्लोर इज टू द ईस्ट ऑफ आर, कि एक फ्लोर जो है वो कैसा होगा, आर की ईस्ट में होगा, यानी कि सेम फ्लैट में होगा. तो इस कंडीशन में आप देखो आर की ईस्ट में फ्लैट है, नहीं है, तो ये कट हो जाएगा. इस कंडीशन में आर की ईस्ट में क्या आप वैकेंट दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, तो ये भी कट हो जाएगा. इस कंडीशन में आप आर की ईस्ट में वैकेंट दे सकते हो, तो यहाँ पर एक वैकेंट हो जाएगा और एक वैकेंट आपका एल की ईस्ट में हो जाएगा, बिकॉज गिवन था ना कि दो वैकेंट है और दोनों सेम फ्लोर पे नहीं होंगे, तो दोनों सेम फ्लोर पे नहीं है. अच्छा, इस चीज का ध्यान रखना कि कब इन्होंने सेम फ्लोर कहा है, कब इन्होंने सेम फ्लैट कहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे ये लोग सेम फ्लैट बोलते तो ये कंडीशन कंप्लीट नहीं होती, हमारी सेटिस्फाई नहीं होती. लेकिन खैर इन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं था, तो इस चीज पर भी आप ध्यान देंगे कब ये लोग सेम फ्लोर की बात कह रहे हैं और कब ये लोग सेम फ्लैट की बात कह रहे हैं. ठीक, सबसे पहले कह रहे हैं हु लिव्स ऑन द इमीडिएट फ्लोर बिलो जे, जे के इमीडिएट बिलो कौन रह रहा है. सो जे के इमीडिएट बिलो यहाँ पर एल है, सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा. अगर यहाँ पे दोनों होते तो यहाँ पर ये लोग कुछ ऐड करके देते कि सेम फ्लैट में या फिर डिफरेंट फ्लैट में या फिर ऑप्शन में आपको वो दोनों पर्सन का नेम देते. ठीक, लेकिन अगर यहाँ पे एक ही वैकेंट है इसलिए हम लोग एल आंसर लगाएंगे. या फिर कभी ऐसे भी होता है कि मान लीजिए यहाँ पर एल और यहाँ पे ए रह रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन पकड़ा देते हैं, तो वही आपका करेक्ट आंसर होता है. आगे कह रहे हैं हु लिव्स इन द ईस्टर्न फ्लैट ऑफ द सेकेंड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर का जो आपका ईस्टर्न फ्लैट है, यानी कि ये वाला. ठीक, ये आपका ईस्टर्न होता है, ये आपका वेस्टर्न होता है. ठीक, तो ईस्टर्न फ्लैट जो है इसमें कौन रह रहा है, यहाँ पर आपका कोई भी नहीं है, नो बडी. सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा. देन हाउ मेनी पर्सन लिव इन बिटवीन द फ्लोर्स ऑफ आर एंड डब्ल्यू, आर एंड डब्ल्यू के बीच में कितने पर्सन रह रहे हैं, तो आर एंड डब्ल्यू के बीच में यहाँ पर देखो कितने पर्सन है, वन टू थ्री एंड फोर. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर. ठीक, क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्टिंग में है और ये एंड में है. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैट इज वैकेंट, कौन सा फ्लैट जो है वो वैकेंट है. तो यहाँ पर आपका ये दोनों फ्लैट वैकेंट है, तो देख लेते हैं इसमें वेस्टर्न फ्लैट फर्स्ट फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर में तो कोई वैकेंट नहीं है. ईस्टर्न फ्लैट सेकेंड फ्लोर, आपका ईस्टर्न फ्लैट सेकेंड फ्लोर में, तो हाँ ये ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा. उसके बाद ऑड वन आउट है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए कि इसमें क्या अलग है. ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका रैंक एंड ऑर्डर से, तो इसको अटेम्प्ट करिए एक बार. देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सेवन वेट लिफ्टर्स हैं विल प्ले इन डिफरेंट वेट कैटेगरीज, ओनली टू पर्सन विल हैवियर कैटेगरीज देन ए. तो बेसिकली हम लोग पहले यहाँ पे सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू एंड वन इसको लिख लेंगे. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ओनली टू पर्सन विल प्ले इन हैवियर कैटेगरीज देन ए, खाली दो पर्सन जो हैं वो ए से हैवियर कैटेगरी में खेलते हैं. तो यानी कि ए जो है वो फाइव पे आएगा,
ठीक, क्योंकि खाली दो पर्सन ऊपर हैं इसके। देन जी विल प्ले इन हैवियर कैटेगरी देन ई बट लाइटर कैटेगरी देन एम। जी जो है वो हैवियर कैटेगरी में है ई से, लेकिन लाइटर है किससे, एम से। ठीक, तो एम ऊपर आएगा, जी और ई दोनों नीचे की तरफ आएंगे। उसके बाद डब्ल्यू विल प्ले इन द इमीजिएट हैवियर कैटेगरी देन डी। तो डब्ल्यू जो है वो इमीजिएट हैवियर कैटेगरी है किससे, डी से, यानी कि डब्ल्यू के तुरंत ऊपर डी आएगा। अब देखो यहाँ पे इमीजिएट गिवन है, यानी कि ये तुरंत ऊपर आएगा, यहाँ पर ऐसा कुछ गिवन नहीं है। तो यहाँ पर आपका गैप हो भी सकता है, गैप नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं ई विल प्ले इन द हैवियर कैटेगरी देन डी। तो आपका ई जो है वो डी से हैवियर कैटेगरी में है, तो ई जो है वो डी से कैसा आएगा, हैवियर आएगा। ठीक, अब इमीडिएट हैवियर तो होगा नहीं, बिकॉज वो डब्ल्यू है, तो ऑब्वियसली डब्ल्यू के ऊपर ई कहीं होगा। ठीक, तो इस तरीके से आपका आएगा ई, फिर जी और फिर एम। ठीक, इमीडिएट अब तो नहीं होगा ना, बिकॉज वो डब्ल्यू है। इसके बाद कह रहे हैं आर विल प्ले इन द इमीडिएट लाइटर कैटेगरी देन एम। एम से तुरंत लाइटर आपका आर आएगा, तो एम से तुरंत लाइटर आपका आर आएगा, तो जी और ई कैसे होंगे, इसके बाद होंगे। इसका मतलब डब्ल्यू और डी कैसे होंगे, इस तरीके से होंगे। ठीक, तो ये पूरा लग गया, इसको बना लो, रख लो, डी W E G R और M, बिल्कुल सीधा सीधा बन गया ये आपका। ठीक, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि द सेकेंड हैवियस्ट कैटेगरी इज 92 kg, कि आपका सेकेंड हैवियस्ट कैटेगरी कौन सी है, 92 kg है, वाइल द थर्ड लाइटेस्ट कैटेगरी क्या है आपकी, 67 है। सो थर्ड लाइटेस्ट 1, 2, 3 ये आपकी कितनी होगी, 67 होगी। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका आंसर। इसके फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, गिवन है हु इज द प्लेयर इन द सेकेंड लाइटेस्ट कैटेगरी। सेकेंड लाइटेस्ट कैटेगरी में कौन खेल रहा है, डब्ल्यू खेल रहा है, सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देन हु इज द प्लेयर इन द इमीडिएट लाइटर कैटेगरी देन ए। ए के इमीडिएट लाइटर कौन है, सो ए के इमीडिएट लाइटर है यहाँ पे जी, सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। फिर इसके बाद कह रहे हैं वॉट कैन बी द पॉसिबल वेट कैटेगरी इन विच जी इज प्लेइंग। ऐसी कौन सी पॉसिबल कैटेगरी है जिसमें आपका जी खेल सकता है, तो जी जो है वो 92 एंड 67 के बीच में है, तो कोई नंबर आपका ऐसा होगा ऑप्शन में जो कि 92 से कम हो, 67 से अबव होगा, तो वो सिक्स आपका क्या आ रहा है, 71 आ रहा है। ठीक, 71 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन हम लोग स्लॉक्स के देख लेते हैं। वैसे मैंने इसका पूरा कॉन्सेप्ट करा रखा है आपको, ओनली केस भी करा रखा है, जो परसेंटेज वाला केस है वो भी करा रखा है, एंड इसके अलावा आपका ओनली अ फ्यू वाला जो केस है वो भी करा रखा है। ठीक, तो अगर आपको कोई भी डाउट है सो आप लोग उसकी सीरीज को देख सकते हैं। बाकी ओनली वाले केस में एक चीज क्लियर कर देती हूँ, बहुत लोग कंफ्यूजन होता है कि जैसे गिवन है कि ओनली ए आर बी, ठीक, खाली ए आर बी है, यानी कि आपका सारे बी जो है वो ए होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि ऑल बी आर ए। ठीक, यहाँ पर आप इसका मतलब क्या निकाल लेते हैं, ऑल बी आर ए, ठीक, ये मतलब नहीं है, ये स्टेटमेंट अलग है, ये स्टेटमेंट अलग है, सिर्फ डायग्राम सेम बनता है लेकिन कंक्लूजन दोनों के अलग हैं। ठीक है, यहाँ पर ओनली ए आर बी का मतलब क्या है कि आपका खाली ए ही बी है, यानी कि बी का रिलेशन खाली ए के साथ है और किसी के संग ना तो है ना ही होगा। ठीक, तो ये डेफिनेट ट्रू होता है कि अगर यहाँ पर दे दिया जाए कि अगर मान लो सी यहाँ पे रखा गया है। ठीक, अब आपसे ये पूछे कि नो बी आर सी, ठीक, तो आप क्या करेंगे, इसको ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि वो इसको रॉन्ग कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि ये रिलेशन होगा या फिर नहीं होगा, जबकि ये डेफिनेट है, बी का रिलेशन किसी से नहीं है। ठीक, सिर्फ बी का रिलेशन ए से है, तो ये डेफिनेट ट्रू है कि उसका रिलेशन किसी अदर से नहीं है। तो अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है जिसमें आपका जिसके संग रिलेशन है उसके अलावा किसी और के संग रिलेशन दिखाया जाए, तो आप उसे तुरंत डेफिनेट ट्रू करें। ठीक, आगे कह रहे हैं ओनली अ फ्यू कार्स आर न्यू। सो ओनली अ फ्यू कार्स आर न्यू, ठीक, ओनली अ फ्यू का केस है, तो यानी कि यहाँ पे सम भी लेंगे और सम नॉट भी लेंगे। सम कार जो है वो न्यू है और कुछ कार जो है वो न्यू नहीं है। ठीक, तो इसकी चीज मैं एक और बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है आपका, जब आपकी कुछ कार न्यू नहीं है तो आपकी कभी भी सारी कार न्यू होने की संभावना भी नहीं है, लेकिन सारे न्यू कार होने की संभावना है। ठीक, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, तो ध्यान रखेंगे कि केस जो पॉसिबिलिटी वाला है, जो फ्यू वाला है, वो किसके साथ है। आगे कह रहे हैं ऑल ट्रक्स आर न्यू। सो ऑल ट्रक्स आर न्यू, तो ये आप दे देंगे ऑल ट्रक्स आर न्यू। ठीक, सॉरी मैंने इसे थोड़ा गलत बना दिया, ऑल ट्रक्स आर न्यू, ठीक, ट्रक्स अंदर आएगा। आगे कह रहे हैं ऑल ट्रक बीइंग कार इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ऑल ट्रक आपके कार हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। देन ऑल न्यू बीइंग कार इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल न्यू आपका कार हो सकता है, यस ये भी हो सकता है। देन नो कार्स आर ट्रक, कोई भी कार जो है वो ट्रक नहीं है, तो इसके बारे में हमें नहीं पता है, तो ये फिर हम लगा देंगे इसको रॉन्ग, फॉलो नहीं करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो होगा, आंसर क्या होगा, बी बोथ 1 एंड 2 फॉलो। इसके बाद कह रहे हैं ओनली अ फ्यू कब्स आर कैट्स।
ओके, नो कैट्स आर डंकी, देन ऑल कब्स बीइंग डंकी इज अ पॉसिबिलिटी, कि ऑल कब्स जो है क्या वो डंकी हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं है बिकॉज वो पार्ट जो कैट के पास है वो डंकी नहीं हो सकता, तो आपका ये फॉलो नहीं होगा. फिर नो डंकी आर कब्स, कोई भी डंकी जो है वो कब नहीं है, तो इसके बारे में भी हमें कुछ नहीं पता. ठीक, उसके बाद सम कैट्स आर नॉट कब, कुछ कैट जो है वो आपकी कब नहीं है, तो ये भी हमें नहीं पता. ठीक, हमें ये पता है कि कुछ कब जो है वो कैट नहीं है, लेकिन कुछ कैट कब नहीं है इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है. ठीक, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, नन फॉलोज. Only a few horses are mare. Then some mare are not jackals. तो यहाँ पे क्या है? नहीं है. आगे कह रहे हैं some mare are jackals. तो यहाँ पे देखो some mares are jackals. क्या कुछ mare jackals हैं? देखो कुछ mare jackals हैं या नहीं इसके बारे में हमें नहीं पता. हमें सिर्फ ये पता है कि कुछ mares आपके jackals नहीं है. तो ये पॉसिबिलिटी में तो ट्रू हो सकता था, लेकिन ये डेफिनेट ट्रू नहीं है. तो आपका फर्स्ट वाला फॉलो नहीं होगा क्योंकि हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं. आगे कह रही है नो जैकल्स आर हॉर्स, कोई भी जैकल्स आपका हॉर्स नहीं है, तो ये भी हमें नहीं पता. उसके बाद आगे कह रहे हैं ऑल जैकल्स बीइंग मेयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे जैकल्स आपके मेयर हो सकते हैं, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? तो हाँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है. ठीक, अब देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा. यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि सम मेयर आर नॉट जैकल्स, कि कुछ मेयर जो हैं वो जैकल्स नहीं हैं, तो हो सकता है कि ये वाला जो पार्ट हो मेयर का ये जैकल ना हो. तो फिर यहाँ पे जो आपका पूरा जैकल है वो इस वाले पार्ट में तो आ सकता है ना, तो यहाँ पर ऑल जैकल्स जो है वो मेयर हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, बस ऑल मेयर जो है वो जैकल्स नहीं हो सकते. ठीक, तो यहाँ पर आपका थर्ड फॉलो होगा, तो आंसर क्या होगा, ओनली थर्ड फॉलोस. ठीक है, मे बी आप इसको देखकर शायद रॉन्ग लगा दें, लेकिन इसको ध्यान देना है कि सम मेयर आर नॉट जैकल्स, कि कुछ मेयर आपके जैकल्स नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी में भी इसके अंदर नहीं जा सकती है, लेकिन जैकल्स तो जा सकते हैं ना, तो ये चले जाएंगे, इसलिए आपका थर्ड फॉलो होगा. ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे, एंड कभी भी नोटिफिकेशन ना आए तो फिर आप लोग चैनल को जाके विजिट करते रहिए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे.